मित्रों सबको प्रणाम। तो मित्रों आज हम सुना रहे हैं आपको राघव द्वयम ग्रंथ से पाठ भाग चार, यानी चार श्लोक सुनाएंगे, जिसको उल्टा पढ़ने पर श्लोक बनते हैं आठ। तो इसमें श्री राम कथा और भगवान श्री कृष्ण कथा दोनों सम्मिलित हैं। यह एक अद्भुत ग्रंथ है। इसको लिखा था श्रीमान वेंकट धवरी, भारतीय दक्षिण के संत और 17वीं सदी में। तो मित्रों सुनेंगे इसका भाग चार। दंडकाम प्रदमो राजाल्या हताम यकारिहा स समान वताने नो भोग्याभय ने तदा आसने। दंडक वन में स्वामी राम स्वस्थ नरेशों के शत्रु परशुराम को पराजित करने वाले मानव योनि वाले मनुष्यों को अपने निष्कलंक कीर्ति से आनंदित करने वाले ने प्रवेश किया। ने सदातन भोग या भय नो नेतावनम आसस हारिकायम ताहल्या जारामोद प्रकान इदम। सदा आनंदित जननायक श्री कृष्ण नंदन वन को जा पहुँचे, जो इंद्र के अति आनंद का स्रोत था। वही इंद्र जो आकर्षक काया वाली अहिल्या का प्रेमी था, जिसने छलपूर्वक अहिल्या की सहमति पाली थी। स अरम आरतम अनज्ञानन वेदेराकंठ कुंभजम तम द्रुसारपट अनागा नाना दोष विराधा। वे राम शीघ्र ही महाज्ञानी, जिनकी वाणी वेद है, जिन्हें वेद कंठस्थ है, कुंभज मटके में जन्मने के कारण अगस्त ऋषि का एक अन्य नाम भी है, के निकट जा पहुँचे। वे निर्मल वृक्ष वलकल छाल परिधान धारी हैं, जो नाना दोष पाप वाले विराध के संघारक हैं। अब उल्टा देखेंगे इसका उल्टा क्या है। हा धरा विस्ध है नाना गाना टोपर सातम द्रुतम जम्ब कुंठ करा देवन अज्ञान दरम आरस। हाय वो इंद्र पृथ्वी को जल प्रदान करने वाले किन्नरों गंधर्वों के सुरीले संगीत रस का आनंद लेने वाले देवाधिपति ने ज्यों ही जम्बासुर संहारक श्री कृष्ण का आगमन सुना, वे अनजाने भय से ग्रसित हो गए। सागमा कर पाता हांक के नावनत ही स ने समानर्द मा अरामा लंका राजस्वसात रतम। वेदों में निपुण संतों के रक्षक राम का गरुड़ जटायु ने झुककर नमन किया, जिनके प्रति अपूर्ण कामयाचना चुड़ैल लंकेश की बहन सुपनखा को भी थी। तम रसासु अजरा कालम में आरामार्दनम आसने सहित अनवनाकेकम हाता अपारकम आगसा। वे कृष्ण वृद्धावस्था व मृत्यु से परे पारिजात वृक्ष के उन्मूलन की इच्छा से गए, तब इंद्र स्वर्ग में रहते हुए भी कृष्ण के हितैषी को अपार दुख प्राप्त हुआ। ताम सैगोर मदो श्रीदय विग्रामम असधर अतत वैरम आस पलाहारा। विनाशा रविवंश के पृथ्वी को प्रिय विष्णु यानी राम के दाहिनी भुजा वे उन्हें गौरव देने वाले निडर लक्ष्मण द्वारा नाक काटे जाने पर उस मांसभक्षी नासविहीन सुपर्णखा ने सूर्यवंशी राम के प्रति बैर पाल लिया। केशवम वीरसानावी आहा आलापस्मार वै तत्रोदसम अग्राविद अश्रीद अमरग अस्ताम। उल्लास जीवन शक्ति और तेज के हरास होने का भान होने पर केशव कृष्ण से मित्रवत वाणी में इंद्र, जिसने उन्नत पर्वतों को परास्त कर महत्वहीन किया, उद्यंड उड़नशील पर्वतों के पंखों को इंद्र ने अपने वज्रायुध से काट दिया था,
जिसने अमर देवों के नायक के रूप में दुष्ट असुरों को श्रीविहीन किया, ने धरा वे नब के रचयिता कृष्ण से कहा, गोध युगो में स्वयमाय अभूतम अश्री गखर सेनया सहसा वैधार अविकल अराजत अरातिहा। पृथ्वी व स्वर्ग के सुदूर कोने तक व्याप्त कीर्ति के स्वामी राम द्वारा खर की सेना को श्रीविहीन परास्त करने से उनकी एक गौरवशाली निडर शत्रु संहारक के रूप में शालीन छवि चमक उठी। हा अतिराध जरालोक विरोधा वह सास विरोधा वह साहस यान शेर खग श्रीद भूय मैं स्वम अगय दयुग दयुग। हे कृष्ण, सर्व कामना पूर्ति करने वाले, देवों के गर्व का शमन करने वाले, जिनका वाहन वेदात्मा गरुड़ है, जो वैभव प्रदाता श्रीपति है, जिन्हें स्वयं कुछ नहीं चाहिए, आप इस दिव्य वृक्ष को धरती पर ले जाएं, धरती पर ना ले जाएं। ओम। तो मित्रों, अपना चैनल है पूर्ण काम योग 3889, उसको सब्सक्राइब कर दें और अपना अपने भाई का मनोबल बढ़ाएं। ऐसा ही कुछ आपको देते रहेंगे, जैसे गिलहरी ने भगवान श्री राम जी का जो राम सेतु बनाने के लिए प्रयास किया था, इसी तरह का हमारा कुछ प्रयास है। भारतीय संस्कृति और योग का हमारा चैनल है। तो मित्रों, अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और कोई सुझाव हो, कमेंट है, तो वो करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।